तो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनएचपीसी को लेकर। आप लोग देखोगे एनएचपीसी में जो हमारा पहला टारगेट था 95 का, तो ऑलमोस्ट वो जो टारगेट है वो आज के दिन स्टॉक ने यहाँ पर दिखाया है। सुबह आपने देखा होगा अभी 5:30 के आसपास स्टॉक ऊपर में पहुँचा है, 95.5 के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अभी। और ये शेयर आप लोग देखोगे मोस्टली 73 रुपये के आसपास आ गया था, ठीक है, यानी कि 75 के आसपास के रेंज में गया था स्टॉक जब स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट बनी थी। और कल के दिन आपने देखा होगा अभी जो मिड कैप है, आज भी आप लोग जो मिड कैप ने ऑल टाइम हाई बना लिया भाई, इतने बड़ी करेक्शन के बाद में मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक। और ये भी ठीक रिजल्ट से पहले, आप लोग देखोगे तो अभी तो रिजल्ट्स बाकी हैं और रैली बनेगी मार्केट में। इलेक्शन से पहले कोई संकेत नहीं आ रहे हैं कि मार्केट में कहीं से बड़ा फॉल आएगा, बड़ी गिरावट आएगी। अगर किसी कारणवश आती है, पैनिक सेलिंग आती है, तो वो फिर से मौका होगा, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, फिर मौका बन सकता है। अगर कोई पैनिक सेलिंग आती है तो उस गिरावट में बेचने की गलती बिल्कुल ना करें। नीचे से हो सके तो खरीदारी करने के बारे में सोचो, और हो सके तो पीएसयू पावर सेक्टर के जो दिग्गज स्टॉक आपको मैं बता रहा हूं आज के दिन, आरएसएल लिमिटेड और पीएफसी, इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर नजरें बनाए रखो। जहां कहीं भी आपको पैनिक सेलिंग दिखाई दे, इन दोनों शेयरों में फटाक से एंट्री लो भाई, आरईसी लिमिटेड और पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, दोनों के अंदर, ठीक है। तो अब यहां पर एनएचपीसी को लेकर 2-3 बड़ी खबरें सामने आई हैं भाई, तो चलिए जानते हैं डिटेल में आखिरकार क्या खबरें आई हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोग देखोगे वैशाली पार्क की तरफ से, आप लोगों को पता होगा भाई इस स्टॉक के जो अभी शॉर्ट टर्म के लिए 100+ के जो लेवल है वो दे दिए गए हैं, ठीक है। एनएचपीसी लाइकली टू सरपास 100 levels in the short term says वैशाली पार्क। 3 दिन पहले की खबर है ये, और आप लोग देखो उस टाइम जो स्टॉक है वो आई थिंक 90 के आसपास था भाई, और आज आपको 95 के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक में काफी शानदार मोमेंटम, और मैं तो काफी टाइम से पहले से ही बोल रहा हूँ, जब ये स्टॉक 80 रुपए के नीचे में था ना, तब से बोल रहा हूँ, लगातार बोला है भी स्टॉक में एंट्री लेके बैठे रहो। जिन्हें हाई प्राइस से खरीद लिया वो भी पेशेंस रखो, भी पेशेंस रखोगे सब कुछ होगा, ठीक है। पेशेंस जिन्होंने रखा, फिर नीचे के भाव में जिन्होंने एवरेज किया, यहाँ पर प्रॉफिट्स ही मिलेंगे जो ना, भी नुकसान नहीं होगा किसी को। इसके बाद आप लोग देखोगे MSCI इंडेक्स, या MSCI इंडेक्स का भी बड़ा डाटा सामने आया है, तो चलिए देखते हैं वो भी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी MSCI इंडेक्स का भी एक बड़ा डाटा सामने आते हुए नजर आया है। मिंट के उस वेबसाइट के ऊपर जाकर देखोगे MSCI रजिस्टर्ड, यानी कि जो भी यहाँ पर रजिस्टर हमें देखने मिले कंपनी है वो है इंडस टावर, ठीक है, सुंदरम फाइनेंस हो गया, NHPC, इनके समेत 12 स्टॉक्स है भाई, ठीक है। लाइटेड टू बी हाइंड इंक्लूडेड पेटीएम शेयर में एग्जिट, तो पेटीएम शेयर को भी एग्जिट किया गया है, ठीक है, MSCI इंडेक्स से। और जो ये 12 स्टॉक है वो यहाँ पर जो अभी हमें शामिल होते हुए नजर आए हैं, ठीक है। तो इसी बीच आप लोग देखो भाई NHPC है, इनके अंदर कितना इनफ्लो आने की संभावना है, ठीक है। इंडस टावर हो गया, इंडस टावर की अगर बात करें भाई, इंडस टावर को आपको याद होगा 212 पर मैंने बोला था, ठीक है, कम से कम अगले 3-6 महीने के लिए होल्ड करने के लिए बोला था। अभी ये दिसंबर के आसपास की बात है, और आप लोग देखोगे आज जो स्टॉक है वो 212 रुपये से पहुँचा हुआ है भाई 300+ में, तो इतनी जबरदस्त रैली। ऊपर से आप लोग देखोगे भी इनफ्लो आने की संभावना यहाँ पर $189 मिलियन की, और वहीं आप लोग देखोगे सुंदरम फाइनेंस के अंदर 174 मिलियन की, और जो सोलर इंडस्ट्री है इसके अंदर आप लोग 164 मिलियन की, ठीक है। और वहीं अगर बात करें MSCI इंडेक्स के अंदर जो अभी NHPC का क्या रोल अदा रहेगा, तो वो यहाँ पर आप लोग जिंदल स्टेनलेस हो गया, ठीक है, NHPC हो गया, उसके अंदर आपको 150 मिलियन की जो अभी इनफ्लो आने की संभावना है। तो काफ़ी शानदार डाटा सामने निकल कर आ रहा है, काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें सामने निकल कर आ रही है, ऐसी खबरें सामने आएंगी भी क्यों नहीं तेजी बनेगी स्टॉक के अंदर। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका डाटा वगैरह कैसा है और आगे के कैसे रहेंगे लेवल। और जो भी भाई अब तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भाई जरूर जुड़ो। टेलीग्राम के ऊपर जो भी स्टॉक्स मैंने दिए हैं उन सभी शेयरों में ऑलमोस्ट 15-15%+ की तेजी हमें देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 15-15% की तेजी, तो काफ़ी शानदार मोमेंटम। चाहे वो आप लोग देखोगे अभी लिस्ट जारी करके दी थी, ये देखो इससे पहले भी एक लिस्ट दी थी, तो यहाँ पर आपको मौके मिले हैं अभी स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड हो गया, इसमें भी काफ़ी शानदार 117 के आसपास, 175 के आसपास था तब बोला था। कैस्ट्रोल इंडिया 180-188 के आसपास था तब बोला था, ठीक है। स्विंग ट्रेड के लिए आपको दिया था अभी GMRA रिपोर्ट, बेहतर का एसएल था स्टॉक, आई थिंक 80 के आसपास था भाई। और अभी टाइम आप लोग देखोगे कहाँ पर, मजगांव डॉक को 17 तारीख को दिया था, 17 से पहले स्विंग ट्रेड के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए अगले 3 महीने के लिए, और अभी आप लोग देखोगे कहाँ पर है, ठीक है। इंजीनियरिंग लिमिटेड 218+ क्रॉस कर गया है भाई, और आज का जो अभी अच्छी क्वालिटी का स्टॉक था
कोफोज लिमिटेड स्विंग ट्रेड के लिए भी जो लेवल्स थे वो आज ओपनिंग में ही टूटते हुए नजर आए थे। 5630 का जो ने भी स्टॉप लॉस के साथ बोला था 5732 के टारगेट के लिए, लेकिन ओपनिंग इसके ऊपर में हुई भाई, ठीक है 5800 के आसपास। उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट्स दिए थे 6830 ये अभी बरकरार है, ये स्टॉक हमें वहां तक देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में कम से कम 3 से 6 महीने के लिए होल्ड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये लेवल से इन शेयरों के, तो यहां पर आपको जो भी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना चाहिए, टाइम टू टाइम आपको अच्छे स्टॉक्स बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक मिलते रहेंगे। तो यहां पर देखो भी एनएचपीसी है 93.20 प्रीवियस क्लोजिंग ओपन 93.80, 95.50 का हाई स्टॉक ने लगाया है, फिर नीचे में आया 93.40 तक, क्लोजिंग जो इसकी हुई है 94.70। मेन बात ये है भाई देखो, प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे में स्टॉक नहीं गया, सबसे अच्छी बात तो ये है। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर 156,000 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर, डिलीवरी पोजिशन 32% प्लस, काफी शानदार डाटा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी हमारा जो पहला टारगेट था 95.30 का आज के दिन आते हुए नजर आया, अभी स्टॉक इसे ब्रेक करके सस्टेन कर गया, तो अगला जो टारगेट रहेगा अभी 100 रुपये का। तो ये टारगेट हमें आप लोग देखोगे नीचे में जब ये स्टॉक आया हुआ था अभी 73 की रेंज में, ठीक है 70-72 की रेंज में आप लोग देखोगे, वहां से कंटिन्यूसली मैंने बोला थोड़ा थोड़ा करके नीचे में खरीदारी करते रहो, और जब ब्रेकआउट आएगा उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में कितनी जबरदस्त रैली बनी है। तो काफ़ी शानदार मोमेंटम स्टॉक में आया ना भाई, तो ये तेजी आप लोग देखोगे जल्द से जल्द हमें 100 प्लस भी जाते हुए नजर आएगी। अभी रिजल्ट आने बाकी, रिजल्ट से पहले ये हाल है स्टॉक में तेजी का, तो रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तो उस कंडीशन में 100 प्लस भी स्टॉक निकलेगा, ठीक है फ्रेश हाई भी लगा सकता है। तो ये इसके अलावा रहेंगे, अभी के टाइम अगर आपको सपोर्ट पे काम करना है स्टॉक के अंदर, रिस्क बिल्कुल नहीं लेके चलना है, तो सपोर्ट रहेगा अभी 92 का, ठीक है 92.85 का सपोर्ट रहेगा, इसके ऊपर में स्टॉक है तो होल्डिंग बनाए रखो। अगर नीचे एक हाथ निकलते हुए नजर आए तो प्रॉफिट लेने के बारे में सोचो शॉर्ट टर्म में, ठीक है या फिर स्विंग ट्रेड में। तो आगे आपको जैसे कोई खबर आएगी इसके रिगार्डिंग वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।